नमस्कार, मैं हूँ सरोज चौधरी। आज हम चावल के आटे से डोसा बनाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी, बनाने में एकदम आसान, तो चलिए इसे बनाते हैं। ये मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है, एक बाउल में डाल देंगे। जीरा डालेंगे। ये मैंने एक प्याज को काट के लिया है, डाल देंगे। एक कप गाजर को कद्दूकस करके लिया है, वो भी डाल देंगे। सब्जियां आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करें। हरे धनिया के पत्ते डालेंगे। हमने जिस कटोरी से चावल का आटा लिया था, उसी कटोरी से पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मैंने दो कटोरी पानी डाल दिया है। बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। डोसे के लिए बैटर बनकर तैयार है, थोड़ी देर के लिए रख देंगे। नमक डालेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट हो गई हैं। ये मैंने इस प्रकार का बैटर बना के तैयार कर लिया। गैस पे एक पैन रखेंगे। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा है तो आप वो रखें। गैस ऑन करें, घी से अच्छे से चिकना कर देंगे। दो चम्मच बैटर डालेंगे। एक जैसा फैला देंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे, थोड़ी देर सिकने देंगे। देखिए डोसे का कलर चेंज हो चुका है, किनारों पे थोड़ा तेल से चिकना कर देंगे। जैसे ही डोसा सिकेगा, किनारे अपने आप छोड़ने लगेगा। डोसा अच्छा क्रिस्पी सिक चुका है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही अच्छा डोसा सिक के तैयार हुआ है। प्लेट में निकाल लेंगे। फिर से तवे को ठंडा होने देंगे। थोड़ा ठंडा होने पे घी से चिकना करेंगे। दो चम्मच बैटर डालेंगे। एक जैसा फैला देंगे। इसी तरह से हम सारे डोसे बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, चावल का कुरकुरा डोसा बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा डोसा बनके तैयार हुआ है। आप भी एक बार इस तरीके से डोसा बनाइए। और हाँ, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और मेरी बहुत सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।